तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहले ही मैंने आप सभी को बता दिया है कि बोकारो जिला में 553 पदों पर होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, ठीक है। और इस पर जो है 29 मई से स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रखंड में, बोकारो जिला के किस प्रखंड में, जो 9 प्रखंड है, इन 9 प्रखंडों में किस प्रखंड में कितनी वैकेंसी रहने वाली हैं, पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, महिला के लिए कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या फॉर्म भरने के लिए पैसा कितना लगेगा, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जुड़े रहिए। सबसे पहले जानते हैं कि किस प्रखंड में कितनी वैकेंसी है। देखिए, प्रखंडवार रिक्त पदों की स्थिति। जिले में कुल रिक्त 553 है। इसमें जो है पुरुष के लिए 280 सीट रखी गई है और महिला के लिए 273। अब देखते हैं तो चास प्रखंड में टोटल 19 सीट है, इसमें 10 पुरुष और महिला के लिए 9। अगला है चंदन क्यारी में 29 सीट है, इसमें 15 पुरुष के लिए और 14 महिला के लिए। कसमार प्रखंड, इसमें 37 सीट है, इसमें जो है 19 पुरुष के लिए और 18 महिला के लिए। पेटवार प्रखंड में आपके 16 पद हैं, इसमें जो है 8 पुरुष के लिए और 8 महिला के लिए। अगला है गोमिया। गोमिया में 37 सीट है, इसमें जो है 19 गो पुरुष के लिए है और 18 गो महिला के लिए है। जरीडी में देखिए 28 गो सीट है और जरीडी में इसमें जो है पुरुष 14 गो, महिला भी 14 गो। नावाड़ी में देखिए 39 सीट है, इसमें पुरुष जो है 20 और महिला 19। बेरमो में जो है 77 है, यार बहुत ज़्यादा है बेरमो में 77 सीट, इसमें जो है 39 पुरुष गो रहेगा और 38 गो महिला के लिए। चंद्रपुरा में देखिए 38 गो सीट है, तो इसमें जो है चंद्रपुरा में आपके 19 को पुरुष है, 19 को महिला है। फिर शहरी में देख लेते हैं, तो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत बोकारो स्टील सिटी, चास नगर निगम क्षेत्र व फुसरो नगर निगम परिषद, ठीक है, फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत जो टोटल जो है 233 पद हैं, इसमें 177 पद जो है पुरुष के लिए और 116 पद महिला के लिए है। टोटल ये हो गया आपका सीट का बंटवारा। अब देख लेते हैं तो क्या फिजिकल रहने वाला है, दौड़ वगैरह क्या रहेगा, सारा कुछ। देखिए, बोकारो प्रतिनिधि जिले में गृह रक्षकों के यानी 553 पदों की बहाली होगी, इसमें 280 पुरुष और 273 महिला के पद निर्धारित हैं, ठीक है। आगे है कि ग्रामीण गृह रक्षक यानी कि गांव में जो रहेंगे ग्रामीण गृह रक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन अलग जमा कर पाएंगे, ठीक है, और 29 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 12 तारीख तक, 12/6 यानी कि 12 जून तक चलेगा। इसी महीना के 29 तारीख में फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा शुरू, शाम के 5 बजे तक 12 तारीख के कर पाएंगे आप। फिर है होमगार्ड कमांडेंट जो रवि कुजूर हैं, उन्होंने बताया है कि गृह रक्षक यानी कि होमगार्ड की फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक परीक्षा व लिखित परीक्षा आपका मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम जो कि बोकारो सेक्टर 4 में है, वहां पे 30 जून से आपका 12 जुलाई तक ये सारा का सारा प्रोसेस करेगा। दौड़ वगैरह जितना भी होगा, जंप वंग वगैरह सब यही स्टेडियम में होगा, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम सेक्टर 4 बोकारो में 30 जून से 10 जुलाई के बीच में ये सब प्रक्रिया कर ली जाएगी। देखिए, अब कुछ पोस्ट रहेंगे जो टेक्निकल रहेंगे। टेक्निकल पोस्टों के लिए तकनीकी जांच परीक्षा 13 से लेकर के 15 जुलाई तक कराई जाएगी, ठीक है, और शहरी व ग्रामीण ग्राहकों के लिए प्रखंडवार अलग अलग जो है आपका तिथि तय की गई है। इसके लिए बोला गया है कि बोकारो जिले का अस्थायी निवासी होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। आपको, आप बोकारो के उसी प्रखंड से रह पाएंगे जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर आप कसमार प्रखंड के हैं तो कसमार से ही भर पाएंगे, पटरवार से नहीं भर पाएंगे। पटरवार के हैं तो पटरवार से ही भर पाएंगे, चास के हैं तो चास के ही, चंद्र क्यारी के हैं तो चंद्र क्यारी। अपने प्रखंड के स्तर से ही आप फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है, ये चीज हो गई कन्फर्म। आगे है कि नामांकन के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए आप 7वीं पास होने चाहिए। अगर बोलिएगा मेरे पास 7वीं का तो सर्टिफिकेट नहीं है, कोई बात नहीं, आप मिडिल स्कूल में जाएंगे, अपने टीचर से बोलिएगा कि सर होमगार्ड की वैकेंसी में मुझे अप्लाई करना है तो मुझे 7वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, वो आपको दे देंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं तो शहरी गृह रक्षक के लिए आपको जो है, जो फुसरो है, चास नगर बोकारो स्टील सिटी है और आपका चास नगर निगम, इन तीनों के लिए जो शहरी क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है, उनमें जो है आपको टोटल 10th पास मांग गया है कि मैट्रिक पास है तो आपका चल जाएगा। आवेदन शुल्क की राशि आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से करना होगा, फोन पे गूगल पे सब है, मैं आपको फॉर्म भर के दिखा दूंगा जैसे ही आएगा। ग्रामीण व शहरी गृह रक्षकों के लिए नामांकन में 50% पद महिलाओं के लिए होंगे, ठीक है, 5% पद जो है अर्हता प्राप्त तलाकशुदा महिला, कुछ ऐसे महिला होती हैं जिनको तलाक दे दिया गया है, चाहे विधवा हो गई हैं कम उम्र में, तो उन महिलाओं के लिए जो है आपके 5% पद उनके लिए रहेगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि 9 नामांकित से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी बोकारो के संपर्क कर सकते हैं।
तो कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं से मिल जाएगा। फिर बोला गया है कि चयन प्रक्रिया, देखिए अब आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे सिलेक्शन का दो टेस्ट रखा जाएगा। पहला है शारीरिक जांच परीक्षा यानी कि फिटनेस टेस्ट, इसमें आपका जो है क्या क्या होगा, तो 1600 मीटर की रेस होगी यानी कि एक मील दौड़, एक मील मतलब कि 1600 मीटर उतनी दौड़ कराई जाएगी। फिर ऊंची कूद होगी आपकी हाई जंप, फिर लंबी कूद जिसको लॉन्ग जंप बोलते हैं, फिर शॉर्ट पुल होगा, ठीक है, शामिल होगा, जिसमें 5 अंक से 20 अंक तक आपका मिलेगा, जैसा आप स्कोर करेंगे उसी के अनुसार आपके जो है मार्क्स रहेंगे। इसके बाद हिंदी लेखन क्षमता का परीक्षा होगा, इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा, हिंदी लेखन सुरती लेख जैसा पूछा जाएगा हिंदी। इसके बाद हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में शामिल होना होगा जो अपने शैक्षणिक योग्यता के स्तर के अनुसार लेखन क्षमता की जांच की जाएगी, ठीक है, आप लिख पाएंगे नहीं इसकी जांच की जाएगी। आगे देखते हैं, तो अगला है शारीरिक जांच परीक्षा व हिंदी लेखन। यह सब देश सुधर जाएगा लेकिन हम लोग का देश नहीं सुधरेगा, यह बाजा लेके ना इतना सौर उल्लास, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि शारीरिक जांच परीक्षा व हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी की तकनीकी दक्षता ली जाएगी, ठीक है, जो टेक्निकल से अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, मेगा सूची तैयार किया जाएगा, इसी आधार पर चयन किया जाएगा। चयन अभ्यर्थी के सभी तरह के प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे, फिर आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर घर भेजा जाएगा और आप फाइनली होम गार्ड में ज्वाइनिंग कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन अब क्या करना है, तो ऑनलाइन आवेदन में आपको रंगीन फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और जैसे ही होगा मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कैसे अप्लाई करेंगे, सारा कुछ करके खुद करके दिखाऊंगा यार, ठीक है। तो देखिए अब जितने भी लोग बोकारो से हैं सब कोई रेडी हो जाएंगे, दौड़ना शुरू कर दीजिए। हाई जंप में दिक्कत होगा आपको, लॉन्ग जंप में दिक्कत होगा, दौड़ पास कर भी लेंगे फिर भी, लेकिन ये तीनों आप कर लीजिए फिजिकली, बाकी जो रिटर्न एग्जाम है वो आपका इजी रहेगा, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। और आप लोग सब कोई मतलब सब कोई नहीं यार, 553 लोग ही सेलेक्ट होंगे, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा बॉस। एंड सातवीं का जो सर्टिफिकेट है वो मैंने बताया कि जैसा कि आपको अपना जाना होगा मिडिल स्कूल, वहाँ के टीचर से बोलेंगे वे आपको सातवीं का सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, अच्छा अच्छा ग्रेड बोलिएगा कि ए ग्रेड दे दीजिए सर सब में, ठीक है, ए ग्रेड दे देंगे। 50 रुपया ले सकते हैं लेकिन नहीं लेना चाहिए, फिर भी अगर मांगे तो 50 रुपया खुशी से दे दीजिएगा कि लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग फॉर्म को रेडी कर लीजिएगा, और आवासीय जाति आय ये तीन चीज़ बनवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी जैसे ही आएगा अपडेट, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, मैं साइट पे जाके देखा था सुबह कोई नहीं आया है, जैसे ही साइट पे आएगा नोटिफिकेशन मैं नोटिफिकेशन भी दे दूंगा और अप्लाई खुद करके दिखा दूंगा, ठीक है। बस आप तीन चीज करके रखिए, आवासीय जाति आय बना के रखिएगा, अगर नहीं है तो बना लीजिए और तत्काल से अप्लाई कीजिए। जनरल फॉर्म से अगर आप अप्लाई करेंगे ना आवासीय जाति आय, तो बहुत लेट लग जाएगा आपका, इस महीने में तो क्या 3-4 महीने तक नहीं बन पाएगा, इसलिए तत्काल दीजिए, ठीक है, अर्जेंट, और चिपका दीजिए अर्जेंट में, ये रीजन आपका डेफिनेटली बन जाएगा और सारा कुछ प्रक्रिया रहेगा, बाकी मैं गाइड करते रहूँगा जहाँ तक हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे झारखंड की हर एक छोटी से बड़ी अपडेट आपको दी जाती है, समझ रहे हैं दोस्तों, यार प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर लेना। अगर आप 25+ हो चुके हैं तो मत सोचिए यार कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग कर लीजिए, मैं आपको इतनी वैकेंसी की नोटिफिकेशन देता हूँ, कहीं ना कहीं ज्वाइन जरूर ज्वाइनिंग कर लें। झारखंड सरकार की वैकेंसी JSSC के भरोसे मत रहिए, क्योंकि बहुत बार देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, जैसी आपकी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।